नमस्कार, एकेस विश्वविद्यालय की खबरों में आपका स्वागत है और खबरों के साथ मैं हूं सत्यभूषण सिंह। एकेस विश्वविद्यालय के सभागार C11 में B.E.D विभाग का इंडक्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इंडक्शन कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के वरिष्ठ जन मंचासीन रहे। इसी कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं को B.E.D संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां मुहैया कराई। B.E.D के लिए विश्वविद्यालय के वरिष्ठ जनों ने विद्यार्थियों को बताया कि किस तरह से सेमेस्टर परीक्षा के दौरान उन्हें विशेष प्रयास करने पड़ेंगे। इस अवसर के कुछ विशेष दृश्य। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमात्म जगत व्यापी वीणा पुस्तक धारणी विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों ने 2 दिवसीय ट्रेनिंग ली। इस ट्रेनिंग के बारे में बताया विद्यार्थियों ने। विश्वविद्यालय की खबरों में फिलहाल इतना ही। ताजेतरीन खबरों के साथ करेंगे फिर मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। 30 दिनों के समर ट्रेनिंग के लिए वहाँ हमने मैटलैब के बारे में सीखा था। मैटलैब मतलब मैट्रिक्स लेबोरेटरी, उसमें हमने कई सारे सिमलिंग के प्रोग्राम किए थे जिसमें हमने कई मशीनें चलाई हैं उसका प्रोग्राम बनाकर। और ये हमारी 30 दिन की ट्रेनिंग थी पूरी, जिसमें हमने सीखा वहाँ के DC AC मशीन को ऑपरेट करना, मैटलैब से मैट्रिक्स ऑपरेशन करना, अरे बनाना, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के बारे में हमने वहाँ पास सीखा था। और डिफरेंट टाइप्स की यूनिट्स को हमने मैटलैब के थ्रू कंट्रोल करना सीखा था। डिफरेंट टाइप की यूनिट जैसे AC DC मशीन हो गई, उनकी कंट्रोलिंग पावर सिस्टम, ये सब हमने मैटलैब के थ्रू सिमुलिंग करके उनके थ्रू उनका आउटपुट जो भी उनका रिस्पांस है उसने हमने मैटलैब में देखा। खबरों में फिलहाल इतना ही। ताजेतरीन खबरों के साथ करेंगे फिर मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।